हेल्दी हो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले हर्नियास के बारे में। हर्निया बच्चों में कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया एक स्वेलिंग होती है जो कि बच्चों में नेवल के ऊपर होती है, जहां से बच्चे की अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है। नाभि के हिस्से में जो स्वेलिंग आए उसे अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, जो कि नवजात शिशु में, होते हुए बच्चे में और कुछ महीने के बच्चे में काफ़ी कॉमन होती है। जैसे ही नाभि झड़ती है उसके बाद पेरेंट्स को नज़र आता है कि वहाँ पे एक स्वेलिंग आ रही है, जो कि बढ़ जाती है जब बच्चा रोता है और लगभग एक साल की उम्र तक आते आते ज़्यादातर अम्बिलिकल हर्निया अपने आप ठीक हो जाते हैं। उसके लिए किसी भी प्रकार की सर्जरी या दवा की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ हर्निया ऐसे होते हैं जो कि ठीक नहीं होते हैं, तो उसके बाद फिर एक साल तक यदि हर्निया रहता है तो आप डॉक्टर की सलाह लें, पीडियाट्रिक सर्जन की सलाह लें। लेकिन इसके बारे में कई धारणाएं लोगों में हैं जो कि पता नहीं कहां से परकोलेट करके आ जाती हैं कि यदि उसके ऊपर एक रुपए का या दो रुपए का सिक्का लगा के और टाइटली बांध दिया जाए तो वो कम हो जाती है या वो सूख जाती है या वो अपने आप ठीक हो जाती है। ये धारणा एकदम गलत है और इससे बच्चे को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और हेल्दी जानकारी के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हेल्थी हो।